अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर, कंट्रा इंडिकेशन ऑफ मॉर्फिन, यानी मॉर्फिन या इसके डेरिवेटिव नालवीन, ट्रामाल या टोराडोल या जितनी भी इसकी ड्रग्स है, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें मॉर्फिन जो है हम नहीं दे सकती है और इसकी इस्तेमाल जो है वो सख्ती से स्ट्रिक्टली वो अवॉइड है या मना है, तो इसको हम कहते हैं कंट्रा इंडिकेशन ऑफ मॉर्फिन। कंट्रा इंडिकेशन ऑफ मॉर्फिन ये इसका मतलब ये है कि ऐसी कौन सी कंडीशन, अगर एक पेशेंट को ऐसी बीमारी हो या एक कंडीशन हो एक पेशेंट की, तो उसी हालत में हम मॉर्फिन का इस्तेमाल या ओपियाइड डेराइवेटिव जितनी भी इस ड्रग्स में, नारकोटिक एनर्जेटिक में जितनी भी डेराइवेटिव है, डेराइवेशन है, ये हम नहीं इस्तेमाल कर सकते या हम इस ये कंट्रा इंडिकेटेड है। तो इसमें नंबर एक जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है, हेपेटिक डिसऑर्डर। एक बंदा है उसको पेन भी है, उसको तकलीफ है, लेकिन उसकी लीवर में मसला है, हेपेटिक डिसऑर्डर उसकी लीवर में मसला है, या उसको रेनल डिसऑर्डर है, उसकी किडनी में प्रॉब्लम है, तो इन दोनों हालत में हम मॉर्फिन या इसकी डेरिवेटिव इस्तेमाल नहीं कर सकती। एक दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एक पेशेंट है उसको दर्द है, तकलीफ है, लेकिन इसकी साइडली उसको एक दूसरा तकलीफ ये है कि एक पेशेंट जो है उसमें अस्थमेटिक ब्रोंकियल आस्मा है, तो ऐसे कंडीशन में हम मॉर्फिन या जो है नारकोटिक एनर्जेटिक इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि ये जो है ब्रोंकियल ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करती है, तो मजीद जो है आस्मा को एग्रेवेट करती है, तेज करती है, तो इसलिए ये हम नहीं दे सकते। इसके साथ ही जो है एक तीसरा इसका एक और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंट्रा इंडिकेशन है वो ये है कि एक बंदा है उसको हेड इंजरी है, यानी हेड इंजरी का मतलब ये है एक पेशेंट है उसने एक्सीडेंट किया और वो सर पे जो है उसका इंजरी आया है, हेड इंजरी है, तो इसी कंडीशन में ये मना है, ये हम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, इसलिए नहीं दे सकते कि ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करती हैं, कास करती हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कास करती हैं। जब ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कास करती हैं तो नतीजे में क्या होता है, नतीजे में ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हाइपरकैपनिया होता है। हाइपरकैपनिया का क्या मतलब है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ब्लड में इसकी लेवल जो है इंक्रीज होता है। जब हाइपरकैपनिया होता है तो नतीजे में क्या होता है, वैसोडायलेशन कास करती है, वैसोडायलेशन कास करती है। जब वैसोडायलेशन होती है तो नतीजे में क्या होता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है आईपी जिसको हम कहते हैं, ये क्या होता है, ये रेज होते हैं, ज्यादा होते हैं, और इसीलिए ये जो है हेड इंजरी में हम नारकोटिक एनर्जेटिक ट्रामाल वगैरह ये इसका इस्तेमाल सख्ती से मना है। इसके साथ ही एक और साइड इफेक्ट की कंट्रा इंडिकेशन है हाइपोटेंशन। एक पेशेंट है उसको सीवियर पेन है लेकिन हाइपोटेंशन है, तो हाइपोटेंशन में ये क्या कर, ये है ये मना है। क्यों, क्योंकि ये मजीद जो है बीपी जो है लो करते हैं, तो इसके इसलिए ये हाइपोटेंशन में भी हम नहीं दे सकते। इसके साथ ही एक और जो है एक पेशेंट है उसको एम्फाइजीमा है। एम्फाइजीमा का मतलब क्या है, एम्फाइजीमा का मतलब है कि एक पेशेंट जो है इसको एबनॉर्मल जो है वेजो ब्रांको कंस्ट्रक्शन है, तो ऐसे पेशेंट को हम क्या, यानी ये मॉर्फिन या इसका डेरिवेटिव ये नहीं दे सकती। और इसके साथ ही जो है ये भी इसका एक बड़ा कंट्रा इंडिकेशन है कि एक पेशेंट है एक ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान जो है इसका इस्तेमाल सख्त मना है। ड्यूरिंग डिलीवरी मॉर्फिन और नारकोटिक एनर्जेटिक इज कंट्रा इंडिकेटेड। व्हाई वी कांट गिव मॉर्फिन एंड ड्यूरिंग डिलीवरी, डिलीवरिंग के दौरान जो है हम मॉर्फिन या नारकोटिक एनर्जेटिक क्यों नहीं दे सकते, इसका एक बड़ा काज ये है कि ये जो है क्या काज करते हैं, यूटेराइन टेटेनी काज करते हैं। यूटेराइन टेटेनी का क्या मतलब है, यानी यूट्रस की कंट्रैक्शन और एक्सपल्शन इसको मुतासिर करती है, इफेक्ट करती है, और नतीजे में यूट्रस जो है ये स्टॉप होती है, इसका कंट्रैक्शन और एक्सपल्शन जो है ये मूवमेंट जो है ये डिक्रीज होते हैं या स्पाज़म इसकी काज करती है, तो इसलिए ये ड्यूरिंग डिलीवरी जो है ये हम इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो ये कंट्रा इंडिकेशन ऑफ मॉर्फिन है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इसमें हमें बहुत एहतियात करना चाहिए कि अगर एक बंदा ऐसा आया आपके पास, एक पेशेंट आया उसके साथ जो है उसको सख्त पेन है लेकिन ऐसे मसाइल है इसके साथ, एक दूसरी ऐसी बीमारियां है, तो इस कंडीशन में हम मॉर्फिन या नारकोटिक एनर्जेटिक जो है ये इस्तेमाल नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।